भार्गवी अत्यंतो ज्ञानी है, पाप और पुण्य का बहुत ज्ञान है इसे। ये मुझसे कह रही थी कि यदि मैंने गौरी और शंकर को एक ना होने दिया तो मुझे पाप लगेगा, और यदि इनका विवाह करवाया तो मुझे पुण्य मिलेगा। आई आई, ये आप क्या कह रही हैं? आप ही तो चाहती थी ना कि गौरी और शंकर का विवाह हो जाए। आपने कहा था कि आप गौरी की सहायता भी करेंगी। फिर कितनी भोली है रे तू भार्गवी, हाँ अभी भी नहीं समझी तू? मैंने ये सब इसलिए कहा था कि सबके समक्ष मैं ये सिद्ध कर दूं कि तू कितनी मूर्ख है और चरित्रहीनता को कैसे बढ़ावा दे रही है। और तू समझती है कि इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूं। देखो गांव वालों, ये लड़की हमारे गांव के बच्चों को कैसे बिगाड़ रही है। कल ये मेरे द्वार आई थी और मुझसे कह रही थी कि इस गौरी का विवाह ऐसे लड़के से करवा दूं। होने वाले वर है ये, निर्धन, उजाड़, ना घर है ना व्यापार, कौन कन्या विवाह करेगी इससे? इस लड़के से विवाह करने के स्थान पर मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं कि गौरी का विवाह आलोक से हो। जैसे इसके माता पिता ने सोचा था, और विवाह कल ही होगा। इस विवाह की सारी तैयारियां करने के लिए मैं सज्ज हूं। गौरी के पिता, विवाह के लिए जो धन लगेगा वो गौरी मुझे बाद में लौटा देगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आप बस गौरी और आलोक के विवाह की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे मत में यही गौरी के हित में है। बाहर कर दो इस शंकर को अभी के अभी। कल गौरी का विवाह होने तक ये आसपास भी नहीं दिखना चाहिए उसके। ऐसा मत कीजिए, मैं गौरी से अत्यंत प्रेम करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए ऐसा मत कीजिए। कृपा ऐसा मत कीजिए ना, मैं आपसे विनती करती हूँ, रोक दीजिए, इन्हें अलग मत होने दीजिए। काका, काकी, गौरी नहीं रह पाएगी शंकर के बिना, ऐसी अनहोनी को होने से रोक लीजिए। रुको, बहुत विश्वास है ना तुम्हें कि ये शंकर गौरी को बहुत प्रसन्न रखेगा, और अगर गौरी का विवाह इस शंकर से नहीं हुआ तो वो कदापि ही सुखी नहीं होगी। तो ठीक है, इस शंकर को एक अवसर दे ही देते हैं। सुन ले शंकर, कल दोपहर समाप्त होने पर गौरी का विवाह होने वाला है, तब तक यदि तूने आलोक से अधिक धनवान होकर दिखा दिया मुझे तो ये आई तुझे वचन देती है कि मैं स्वयं तुम्हारा विवाह गौरी से करवाऊंगी। क्या पूर्ण कर पाएगा तू ये चुनौती? एक फूटी कौड़ी भी कमा के लाएगा? लगता है आप इसे धन जुटाने में लग गया है। चलो अब सब यहां से, बहुत हो गया ये बेकार का नाटक।
समाप्त हो गया भार्गवी ताई, अब कुछ शेष नहीं रहा। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। मुझे लगा कि आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आपने प्रण लिया था कि आप मेरे प्रेम को पूर्ण करेंगे। यदि मैंने श्रीनिवास से सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि मैं गौरी और शंकर को एक करके ही रहूंगी। किंतु अब मेरा प्रेम और आपकी प्रतिज्ञा दोनों अपूर्ण रह जाएंगे। रुको भार्गवी, मुझे पाप और पुण्य का ज्ञान दे रही थी ना, अब देखते हैं किसे पाप लगता है। मुझे, जिसने उस गौरी और शंकर को एक नहीं होने दिया, या फिर तुझे, जिसने वचन देकर भी उस बिचारी गौरी का हृदय दुखाया। यह अनुचित है, जो गौरी और शंकर के साथ हो रहा है वो उचित नहीं है। कोई तो होगा जो मेरी सहायता कर सके, उन्हें एक साथ लाने में मेरा साथ दे सके। मैंने कहा था यदि यदि मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति सच्चा है तो आई गौरी और शंकर का विवाह करवा देंगी, किंतु किंतु सब विपरीत हो रहा है। क्या मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति झूठा है? हमारा प्रेम ही एक परम सत्य है भार्गवी, किंतु प्रत्येक प्रेम कहानी में प्रेमियों को संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वो श्रीनिवास भार्गवी हो या गौरी शंकर।